गया से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुरहेरी गांव में एक ही परिवार के दो बच्चों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर फायरिंग हुई। यह घटना जमीनी विवाद को लेकर हुई है, जिसमें एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस बीच एक पक्ष के द्वारा बीच सड़क पर जमकर फायरिंग करी गई। बताया जा रहा है तकरीबन 50 राउंड फायरिंग हुई है। शुक्रवार को फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फायरिंग की घटना में दो लोग घायल भी हुए हैं। देखिए वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती का घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है। कल मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरहरी गांव में जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों के बीच में, जो कि दोनों पक्ष एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, उनके बीच में आपस में विवाद उत्पन्न हुआ था, और जिसमें कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इस मामले में जैसे ही पुलिस को सूचना मिला, तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया गया तथा तुरंत वहां पर SHO मुफस्सिल अपने पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे, और उनके द्वारा जैसे ही इसकी जानकारी मुझे दी गई, तो तुरंत पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य जो वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था। वहाँ पर पहुँच करके तुरंत मामले को शांत कराया गया, और तथा इसमें जो जिनको इंजरी आई थी उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, और अभी उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। इस मामले में एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी तुरंत कल ही किया गया है। इस मामले में कुल 14 लोगों को नामजद के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आज मेरे द्वारा भी वहां पर घटनास्थल पर तथा मुफस्सिल थाना पर पहुंच करके इस कांड की समीक्षा की गई, तथा घटनास्थल पर पहुंच करके इसमें वादी पक्ष के लोगों का और आसपास के लोगों का से पूछताछ किया गया, तथा इस मामले में जो कुछ CCTV एवं वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पे इसमें शामिल लोगों की शिनाख्त की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। जल्द ही इस मामले में जो भी शामिल है, अपराधकर्मी शामिल है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।